Good morning, students. In yesterday's video, we are talking about principle of management. Four principles we already have taught, that are division of work, discipline, authority and responsibility, and unity of command. Today we will move on with the fifth one, that is unity of direction. What does it mean? Unity of direction means that there should be one head for one plan for a group of activity having of the same objective. ये कह रहे हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब ये है कि देर शुड बी वन हेड, एक ही हेड होना चाहिए फॉर वन प्लान. वन प्लान यानी कि जो एक प्लान है आपका, फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव. मीन्स एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटी जो होता है फर्म में, अगर सपोज आप डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उनमें से जो एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटी है जिनका कि सेम ऑब्जेक्टिव है, तो उनके लिए जो है एक हेड होना चाहिए, एक ही प्लान जो है वो आपको बनाना चाहिए, उसे हम कहते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. फॉर एग्जांपल जैसे इन्होंने कहा, सपोज एन ऑटोमोबाइल कंपनी इज़ मैन्युफैक्चरिंग टू प्रोडक्ट. ओके, एक ऑटोमोबाइल कंपनी है जो दो प्रोडक्ट बनाती है, नेमली स्कूटर एंड कार्स. एक स्कूटर बना रही है, मतलब एक प्रोडक्ट उनका स्कूटर है और दूसरा उनका कार है. हैंस हैविंग टू डिविजन्स, सो दैट कंपनी हैव टू डिविजन, वन डिविजन फॉर स्कूटर्स एंड वन डिविजन फॉर कार्स. एज ईच प्रोडक्ट हैज़ इट्स ऑन मार्केट एंड प्रॉब्लम, देयरफॉर ईच डिविजन मस्ट हैव इट्स ऑन हेड. क्योंकि जो दोनों प्रोडक्ट है, चाहे स्कूटर है चाहे कार है, उनके जो क्राइटेरिया है वो अलग है, उनका जो मार्केट है वो अलग है. ठीक है, उनकी जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है, जो पार्ट्स होते हैं उनके लिए, जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है, दैट आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. तो अगर इस तरह से कंपनी कभी भी दो प्रोडक्ट बना रही है, जैसे कि सपोज एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी की अगर हम बात करें और वो टीवी और फ्रिज बना रही है, तो देर मस्ट वी हैव टू डिविजन्स देयर. ओके, वन फॉर टीवी एंड वन फॉर द रेफ्रिजरेटर, बिकॉज दीज प्रोडक्ट्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. दे नीड अ डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी, दे नीड अ डिफरेंट मार्केट प्लान्स, दे नीड डिफरेंट फाइनेंस, दे नीड डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर. सो वी हैव टू श्योरली अश्योर दैट इफ टू प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चरिंग इन अ कंपनी, देन कंपनी मस्ट हैव अ सेपरेट डिविजन फॉर ईच प्रोडक्ट. नाउ व्हाट आर द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस? Advantages of specialization is to obtain due to manager associate with the same kind of activity. ये कह रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, इससे हम advantages ले सकते हैं. किस चीज़ की? specialization की. क्यों? क्योंकि manager जो है वो associate रहेगा, यानी कि जुड़ा हुआ रहेगा सिर्फ एक kind of activity से, और जब manager सिर्फ एक ही product की activity को बार बार perform करेगा, तो definitely we can get specialization because of that. Second, increase in the efficiency of organization. इससे क्या होता है, organization की efficiency भी increase होती है, because यहाँ पे क्या नहीं है, complex situations creates नहीं होती, overlapping नहीं होती एक्टिविटीज़ की, बार कोई एक्टिविटीज़ हम लेफ्ट आउट भी नहीं करते, तो कहीं ना कहीं उससे ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है. थर्ड, इजी टू अचीव ऑब्जेक्टिव. इससे हम इजीली क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखिए डिफरेंट प्रोडक्ट हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, तो डेफिनेटली वी कैन स्पेसिफाई देम और वी कैन डिस्क्रिमिनेट देम और वी कैन अचीव देम वेरी वेल इफ वी आर डूइंग सेपरेट एक्टिविटीज़ फॉर देम. नेक्स्ट, इट हेल्प इन कोऑर्डिनेशन ड्यू टू यूनिटी इन एक्टिविटीज़. ये कह रहे हैं इससे हमें क्या होता है, कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प मिलता है. क्यों? क्योंकि एक्टिविटीज़ में यूनिटी होती है. यूनिटी इन एक्टिविटीज़ मीन्स एक ग्रुप की एक्टिविटी एक साथ परफॉर्म हो रही है, एक प्रोडक्ट के लिए जो एक्टिविटीज़ है दैट शुड बी परफॉर्म बाय एवरीवन इन अ सेपरेट प्लेस. सो उनमें यूनिटी आ जाती है, बिकॉज वो एक्टिविटीज़ जो हैं वो एक ही जगह पे परफॉर्म हो रही है सिर्फ एक प्रोडक्ट के लिए. और जब यूनिटी ऑफ एक्टिविटीज़ होती है, तो आराम से हम क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन की वजह से जो है इसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं. नाउ व्हाट आर द वायलेटिंग इफेक्ट? अगर आप इसे यूज़ नहीं करते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को, तो वायलेटिंग इफेक्ट क्या आते हैं, आपको स्पेशलाइजेशन ऑब्टेन नहीं होगा, एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, डिफ़िकल्टी आएगी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में, और डिफ़िकल्टी आएगी आपको कोऑर्डिनेशन जो है उसे एस्टेब्लिश करने में. ओके, नाउ व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन? नाउ सी डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. स्टार्ट विद मीनिंग. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एवरी एम्प्लॉय शुड गेट ऑर्डर फ्रॉम वन मैनेजर एट अ टाइम
एंड ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू दैट मैनेजर ओनली। ये कह रहे हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड ये कहता है कि इसमें इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक एम्प्लॉय के लिए जो है वो एक ही क्या होना चाहिए, मैनेजर होना चाहिए जो उसे एक टाइम पे एक ही जॉब देगा और वो सिर्फ उसी मैनेजर के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एक्टिविटीज़ जो हैं हैविंग सिमिलर नेचर, वो एक्टिविटीज़ जिनका नेचर सेम है शुड बी कम्प्लीटेड, उन्हें कम्प्लीट करना चाहिए सुपरविजन ऑफ वन पर्सन, एक पर्सन के सुपरविजन के नीचे। मतलब वन प्लान एक्शन फॉर सच टाइप ऑफ एक्टिविटी, एक तरह की एक्टिविटी के लिए एक ही प्लान, एक ही एक्शन और एक ही पर्सन जो है उन्हें सुपरवाइज करे। एम क्या है? इट प्रिवेंट्स ड्यूअल सबॉर्डिनेशन। ठीक है, इट प्रिवेंट्स ड्यूअल सबॉर्डिनेशन, मतलब यहाँ पे जो है वो आप कह सकते हो कि जो बार बार दो या दो से ज़्यादा लोग जब सबॉर्डिनेशन करते हैं किसी का तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जो वर्कर्स हैं दे ऑल्सो कैन गेट कन्फ्यूज, सो उससे क्या होता है हेल्प मिल जाती है, किससे? सबॉर्डिनेशन, मतलब ड्यूअल सबॉर्डिनेशन जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसमें क्या होता है? इट प्रिवेंट ओवरलैपिंग ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़। ओवरलैपिंग मीन्स कि यहाँ पे अगर आप डिफरेंट आपने वो क्या बनाए हुए डिविजन्स बनाए हुए हैं तो क्या होता है कि एक्टिविटीज़ को बार बार परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप ओवरलैपिंग से बच जाते हैं। इम्प्लीकेशन, इट अफेक्ट एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय, इट अफेक्ट द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। ये सिर्फ इंडिविजुअल एम्प्लॉय को अफेक्ट करती है, जबकि ये जो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इससे पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन आपकी अफेक्टेड हो जाती है। नाउ कम टू नेक्स्ट, द नेक्स्ट इज सबॉर्डिनेशन, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। लेट्स स्टार्ट विद दिस, व्हाट डज इट मीन सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट? इसका मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। ये कह रहे हैं कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं ये, कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है टेक प्रायोरिटी, उसे क्या मिलनी चाहिए? प्रायोरिटी मिलनी चाहिए ओवर द इंटरेस्ट, किसके इंटरेस्ट के ऊपर? ऑफ एनी इंडिविजुअल एम्प्लॉय, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हमेशा प्रायर होना चाहिए ओवर द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। मतलब जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स बाद में आते हैं, पहले जो है वो किसके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं? एक फर्म के। तो फर्म के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनको ज़्यादा उन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उन्हें प्रायोरिटीज़ देनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि If purchase manager of a company has to purchase 100 tons of raw material, okay, एक purchase manager है company का, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, एक purchase manager है company का, has to purchase, वो खरीद रहा है 100 tons of raw material, उसने 100 टन जो है raw material खरीदा है। Hitson happens to be a supplier along with other suppliers, ये कह रहे हैं कि उसका जो बेटा है वो भी supplier है बाकी suppliers की तरह market के अंदर। The manager purchased the raw material from the firm of his son at a rate of higher than the market rate, और purchase manager ने क्या किया, उसके जो बेटे की shop है या उसकी जो बेटे की company है वहाँ से raw material खरीद लिया उसने company के लिए, और जबकि क्या है हायर रेट्स पे खरीदा है, जो मार्केट रेट है उससे कहीं ज़्यादा कॉस्ट पे खरीदा उसने। तो दिस विल प्रॉफिट द मैनेजर पर्सनली, इससे किसको फ़ायदा हुआ? मैनेजर को पर्सनली फ़ायदा हो रहा है क्योंकि उसके बेटे की सेल इंक्रीज हो रही है तो उनकी फैमिली को बेनिफिट हो रहा है उस चीज़ से। बट कंपनी विल इनकर्स हैवी लॉस, लेकिन कंपनी को उसकी वजह से क्या होगा? लॉस होगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो डेफिनेटली जो है ये क्या है? अनडिज़ायरेबल है और इस तरह की चीज़ें होनी नहीं चाहिए, क्योंकि एवरी टाइप ऑफ एम्प्लॉय चाहे कोई भी है, चाहे वो सुपीरियर है, सबॉर्डिनेट है, वर्कर है, फैक्ट्री लाइन पे काम करने वाला पर्सन है, एवरी वन हैव टू फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव फर्स्ट, आफ्टर देन दे हैव टू कंसीडर देयर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। नाउ कम टू नेक्स्ट, पॉजिटिव इफेक्ट क्या आते हैं इसके? ऑब्जर्विंग ह्यूमैनिटी, इससे हम ह्यूमैनिटी को ऑब्जर्व करते हैं। सेकेंड, एवरीबडी प्रॉफिट इन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, हर एक को प्रॉफिट होता है, क्योंकि देखिए जब फर्म को प्रॉफिट होता है देन एवरी एम्प्लॉय गेट बेनिफिटेड, चाहे उसमें कोई भी बंदा है काम कर रहा है उन सबको फ़ायदा होता है। लेकिन अगर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को आप फोकस करते हैं तो वो सिर्फ एक ही पर्सन को क्या करते हैं? बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर ऑब्टेन, इससे हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को ईजीली अचीव कर पाते हैं। कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, इससे क्या होता है कि हम कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं किसके बीच में? इंडिविजुअल के बीच में और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। एंड व्हाट आर द वॉयलेटिंग इफेक्ट?
ह्यूमैनिटी जो है वो वॉयलेट हो जाती है अगर आप इसे नहीं फॉलो करते हैं तो. जेलेसी जो है वो इंक्रीज़ होती है क्योंकि वर्कर्स जब ये देखते हैं दैट ही इज़ नॉट गोइंग टू फुलफिल द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव देन डेफिनेटली दे कैन गेट जेलस फ्रॉम दैट विद दैट पर्सन. हाइड्रेंसेज आती हैं अचीविंग ग्रुप गोल्स. आप कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव नहीं कर पाते हैं और कोऑर्डिनेशन जो है वो इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एस्टेब्लिश नहीं हो पाता. सो फॉर टुडे दिस इज डन. थैंक यू.